हाय, दिस इज अक्षय कुमार। आप देख रहे हैं फिल्मी मीडिया और ये वीडियो है फिल्म सरफिरा, अक्षय कुमार की जो फिल्म है उसका रिव्यू। एक सीनियर क्रिटिक और जर्नलिस्ट ने जो दिया है उसका रिव्यू दिया है, वो ये वीडियो है। कैसी लगी सर? चलो, कैसा लगा सर, सुरुरई पत्रू, उड़ान या फिर सरफिरा? एक अच्छी कहानी को आप कितनी भी बार सुनाइए वो अच्छी कहानी होती, बस उसका थ्रिल कम हो जाता है। इस फिल्म के साथ यही है। सरफिरा जब मैं देख रहा होता हूँ तो मैं सच बताऊँ कि मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मैं सरफिरा को एक नई फिल्म की तरह देखूँ, एक बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल फिल्म की तरह देखूँ, लेकिन मैंने जितनी बार सुरराई पोटरू और उड़ान देखी है, और मैं उस फिल्म का बिगेस्ट फैन हूँ, तो वो जो है वो रह रह के कंपैरिजन मेरे दिमाग में आ रहा होता है। डायरेक्टर ने जो सुधा हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है कि कई कई जगहों पर इस फिल्म को में नए सीक्वेंसेस जोड़ें, और कोशिश की है कि वो एक नए तरीके का फील दे पाए। लेकिन सच ये है कि कहानी कैप्टन गोपीनाथ की ही है, और उस कहानी को नए पर्सपेक्टिव में दिखाने के बाद भी वो कहानी वैसे ही कही गई है जैसे वो सुरराई पोटरू कही गई थी। तो नतीजा ये है कि जिन लोगों ने सुरराई पोटरू देखी उन लोगों को ये फिल्म उससे कमतर लगेगी। उसे माइनस, मतलब अगर सुरराई पोटरू 10 नंबर पर है तो ये फिल्म 6-7 पर आएगी। लेकिन जिन लोगों ने सुरराई पोटरू या उड़ान जो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है उसको नहीं देखी, उनके लिए ये फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म लगेगी। इंडिविजुअल देखने के लिए ये फिल्म बहुत ही शानदार, अक्षय के लिए की का काम उनको बहुत पसंद आएगा, राधिका मदान का काम, और राधिका मदान के लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जिन सीन्स में राधिका मदान है अक्षय के पैरेलल, उन सीन्स में वो अक्षय कुमार के ऊपर भी हावी हैं। राधिका मदान का ये अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। अक्षय ने अपनी 150वीं फिल्म है ये अक्षय की, उस लिहाज से, और अक्षय कमाल के एक्टर हैं, तो इस फिल्म में भी अक्षय का काम बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अक्षय ने इससे भी अच्छा काम किया है। तो मैं चाह के भी सुरराई पोटरू से इस फिल्म को कंपैरिजन हटा नहीं पा रहा हूँ अपने दिमाग से, क्योंकि मैंने वो फिल्म कई बार देखी है, मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है, और सूर्या का काम उसमें मुझे शानदार लगता है। उस लिहाज से अक्षय का काम इस पर अच्छा है। तो हिंदी फिल्म बेल्ट में जिन लोगों ने उड़ान को नहीं देखा है वो इस फिल्म को देखेंगे, उनको मज़ा आएगा। उड़ान से बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं, उड़ान से मैं वही, अगर उड़ान 10 है तो सरफिरा 6, दैट्स फैक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल। वीडियो को जितना शेयर करना उतना करना, अच्छे से करना, शेयर करने में कमी मत छोड़ना।